प्रिय विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSc सेकंड ईयर विषय रहेगा बच्चे और सीखना, और उसके ये हमारे फर्स्ट है अभी अधिगम और अभिज्ञान। उसके अंदर हमने पढ़ा अधिगम का भूमिका, पढ़ो अधिगम की परिभाषा के बारे में पढ़ी। हम उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अधिगम और सीखने की विशेषता। आज हम पढ़ेंगे अधिगम और सीखने की विशेषता के अंदर हमारी कौन कौन सी विशेषता आती है अधिगम की। तो हम पढ़ेंगे, तो पहला हमारा आता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा हम मानसिक क्रियाओं के द्वारा हम किसी वस्तु को सीखने के लिए उत्सुक होना, उसके प्रति रुचि करना। हम मतलब मानसिक प्रक्रिया, हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम अधिगम करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी सरल होगी। मतलब अधिगम सीखने के लिए मानसिक प्रक्रिया होना बहुत ही जरूरी है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम अधिगम जो है सीखने की जो क्रिया है वो हमारी दिन दिन बढ़ती जाएगी। सीखने के लिए मानसिक प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। और मानसिक प्रक्रिया के द्वारा हमारा जो अधिगम है वो सरल पर स्वभाव और बहुत गंभीर बनता है। सेकंड नंबर जो आता है वह है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति के अंदर सभी प्रकारों का विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, ये सब सभी विकास होता है। व्यवहार में परिवर्तन, बोलचाल में परिवर्तन, उसके हर प्रकार की क्रिया में क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। वो हर वस्तु हर अधिगम के कहता है वो पूर्ण रूप से सीखी हुई चीज को सीखता है। मतलब व्यक्ति अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होता है। सही प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अधिगम सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब हम किसी को करने के लिए हमें करके सीखना चाहिए। अभ्यास करते हैं तो अभ्यास जितना हम करते हैं तो हमारी कोई चीज जो है स्थिर होती जाती है। थर्ड नंबर जो आता है हमारा है कि अधिगम समायोजन में शामिल होता है। अधिगम हम कोई भी क्रिया को सीखने के लिए हम किसी वस्तु को समायोजन में शामिल कर सकते हैं। हम चाहे वो हम घर के अंदर भी सीख सकते हैं, घर के बाहर भी सीखते हैं, कोई जगह फिक्स होती नहीं है। क्योंकि हमारा समायोजन करना, हम कहीं भी उस अधिगम को हम करने की हम सीखने की प्रक्रिया हम कहीं भी सीख सकते हैं। तो जगह विशेष नहीं होती है, क्योंकि हम जगह देखते तो सीखते नहीं है। हम उसको सीखने के लिए समायोजन करना, हम कहीं भी उसको समायोजन करते हैं, हम कहीं भी सीख सकते हैं। क्योंकि किसको अधिगम को अधिगम समायोजन सही होता है। मतलब किसी ने किसी वस्तु को सीखने के लिए हमारा अधिगम जो है महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति स्थान जगह को नहीं देखता है, उसको समायोजन करना बहुत जरूरी है, उसको जोड़ना है। एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति को जोड़ता, दूसरे व्यक्ति साथ तीसरे व्यक्ति जोड़ता, हमारे व्यवहार को हमारे करते हुए को दूसरे व्यक्ति के सामने जब प्रदर्शन करते हैं, हम सीखने वाली क्रिया है, हम उसको सीखते हैं। ये बहुत अच्छा व्यक्ति ने हमें अच्छी शिक्षा दी। मतलब हम कहीं भी सीख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, व्यवहार, वातावरण, जगह, प्लेस के स्थान पर जाकर हम उस अधिगम को समायोजन कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अच्छे संगति से, अच्छे परिवर्तन और बुरे संगति से पूरे परिवर्तन होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा संगति अच्छी है तो हमारे अंदर उस अधिगम की प्रक्रिया है वो भी हमारे लिए अच्छी होगी, वो भी हमारे लिए अच्छी होगी। कहते हैं कि हमारे जिस व्यक्ति के वातावरण का संपर्क होता है, कहते हैं कि एक बालक को वातावरण के अनुसार छोड़ दिया जाता है तो उस बालक का वातावरण के अनुसार ही उसका विकास होता है। अगर वो अच्छे वातावरण में होगा तो उसका विकास अच्छे ढंग से होगा, उसको हर तरह का ज्ञान होना प्रारंभ होता है। क्योंकि उसका विकास कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, अच्छा वातावरण। और अगर इसी के लिए हम विपरीत करते हैं कि किसी बालक को ऐसे जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर शोर शराबा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, तो उस बालक का विकास भी उसी ढंग के उस वातावरण के अनुसार ही होगा। कहना होता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन अधिगम जो है हमारे शरीर के अंदर हमारा व्यवहार करता है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन है हमारे अंदर अच्छा ही होगा, ज्ञान बढ़ता है। हम कहीं भी अपने अधिगम के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। हम कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो आदेश होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। वो छोड़ने के कारण हमारे शरीर की जितनी प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं में क्या होता है, बस विकास होता है।
व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली सीखने की क्रिया होती है, चाहे उसने कुछ न कुछ सीखना चाहता हो और ये सतत सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू लगातार है कि सीखने की उम्र होती नहीं है। और इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जीवन प्रदत्त करने वाली सतत प्रक्रिया है, अधिगम जो है कभी भी किसी वक्त हम सीख सकते हैं, फिर यह प्रक्रिया ऐसी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की उम्र नहीं होती है, पढ़ने की उम्र नहीं होती है, हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा ज्ञान में क्या होगा, विकास होता रहेगा। हमें कहता है कि हमें किसी समय जो हम फ्री है उस समय हम कोई ना कोई अखबार या रेफरेंस पढ़ते हैं तो पड़ी हुई चीज़ों में हमारा माइंड हमारा दिमाग हमारा बुद्धि वो करता है मोटिवेशन, ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। फिर आता है कि अधिगम होते सिर्फ होता है हमारा अधिगम, हमारे सीखना जो है उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पढ़ते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें सीखना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है और हमें लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है, तब जाके हम किसी क्रिया को सीखते हैं। और सीखी हुई क्रिया जो होती है हमारे बार बार जो क्रिया आती है तो वह क्रिया हमारे स्थायी तौर पर हमारे माइंड में हमेशा के लिए कोई याद होती है। और इस क्रिया के द्वारा हमारा जो उद्देश्य है और लक्ष्य है वो सफल होता है, व्यक्ति उस लक्ष्य के तक पहुँच ही जाता है। इसके द्वारा सीखने नहीं करके सीखना नहीं अधिगम के द्वारा सीखने के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है। फिर अगला पॉइंट है वातावरण या क्रियाशीलता की उपज है, जिस वातावरण में जितना अधिक बालक रहेगा बालक उस बालक के अंदर उतनी ही क्रिया की क्रियाशीलता इस कार्य को करने की इच्छा पूर्ति पूर्ण होगी। जब बालक किसी समूह में रहता है तो उस बालक के अंदर कारीगरी शक्ति है वो तीव्र हो जाती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता। अगर हम दल में हैं, हम समूह में हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें शक्ति मिलती है, प्रदान मिलती है, उस देख के उस मोटिवेशन को लेकर ये इतना काम कर सकता है, मैं इसको इतना नहीं कर सकता। तो मतलब अधिकम वातावरण और क्रियाशक्ति के ऊपर जब मतलब अधिकम जो है हमारे वातावरण के माध्यम से हम किसी कार्य को कर सकते हैं, करके सीखना नहीं। हम किसी व्यक्ति को देख रहे थे, ये व्यक्ति अगर हल चला रहा है तो हमें भी हल चलाने के लिए मालूम होता है, या कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है तो बाइक चलाने के लिए हम उस वातावरण में जाएंगे तभी तो हम उस मोटरसाइकिल चला पाएंगे। मतलब हमें उस क्रिया को देखना है फिर हमको सीखना। एक लास्ट आता है हमारे पास पॉइंट है कि अधिगम बुद्धि विकास है, अधिगम बुद्धि में विकास करती है। अधिगम जो है हमारे बुद्धि विकास मानी सीखने की जो प्रक्रिया है हमारे बुद्धि विकास के विकास किस, क्योंकि सीखी हुई चीज जो होती है हमें हमारे लिए बहुत अधिक होती है और इस क्रिया के द्वारा हमारे बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब है कि आज हमने सीखने की जो विशेषता है बहुत सारी विशेषता है, उन विशेषता के माध्यम से हमने इस आज हमने ये पढ़ी है और अधिगम सीखने की विशेषता बहुत सारी होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और अधिगम जो है सर्वांगीण विकास करता है, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, अधिगम के द्वारा जीवन पर चलने की प्रक्रिया वो सतत रहती है और अधिगम के द्वारा हमारा उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त होते हैं और अधिगम जो है वो हमारे वातावरण और क्रियाशीलता की उपज करती है और अधिगम में